गर्मियों का मौसम आ चुका है और अब गर्म हवाएं, लू से लोगों का हाल भी बेहाल होने वाला है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, लू लगना, पेट खराब होना और फूड पॉइजनिंग। अगर आपको इन सारी परेशानियों से खुद को बचाना है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। गर्मियों में लू से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक का महीना लोगों को हीट वेव से परेशान कर सकता है। ये गर्म हवाएं जानलेवा भी साबित हो सकती हैं अगर आप खुद को हाइड्रेट नहीं रखते हैं तो। ऐसे में जरूरी है कि प्यास ना भी लगे तो भी पानी पीते रहें, कोशिश करें कि धूप में लगातार ना घूमें, टाइट कपड़ों की जगह ढीले ढाले हल्के और कॉटन फैब्रिक के कपड़े पहने। इसके अलावा गर्मी में ज्यादा अल्कोहल, कैफीन, शुगरी ड्रिंक्स और चाय पीने से परहेज करें, क्योंकि इसको ज्यादा पीने से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप इन ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी या छाछ पी सकते हैं, यह आपकी बॉडी को कूल भी रखेंगे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। गर्मी में आउटडोर एक्टिविटी को कम कर दें, जरूरत ना हो तो बाहर जाने से बचें। कोशिश करें कि सुबह 11 से लेकर दोपहर 4 बजे तक के बीच में धूप में ना निकलें। अगर बाहर जा भी रहे तो हल्के रंग और लाइट फैब्रिक वाले कपड़े पहने, इसके साथ ही सनग्लास, फुल स्लीव वाले कपड़े पहने और चेहरे को अच्छी तरह से कवर करके ही धूप में निकलें। स्किन को सनबर्न से बचाने के लिए सनस्क्रीन लोशन जरूर अप्लाई करें, यह आपकी स्किन को टैनिंग से भी बचाएगा। आखिर में सबसे जरूरी बात, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका खास ख्याल रखें। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज है तो वो जल्दी गर्मी के दिनों में होने वाली समस्याओं की चपेट में आ सकते हैं, ऐसे में उन्हें ठंडे वातावरण में रखें। लगातार हाइड्रेट रखने के लिए हेल्दी लिक्विड देते रहें। ध्यान रहे ज्यादा तेल मसालेदार चीजों का सेवन ना करें और तो और रोड साइड ठेले पर मिलने वाले फूड्स का सेवन कम से कम करें, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।